फर्टिलाइजेशन इन एंथ्रोपोडिया। सो एंथ्रोपोडिया में यानी कि फर्टिलाइजेशन किस तरह होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि वहाँ पर किस तरह फर्टिलाइजेशन यानी कि एंथ्रोपोडिया में किस तरह फर्टिलाइजेशन कमल होता है और किस तरह यानी कि वहाँ पर ओके। सो फर्टिलाइजेशन के वक्त एंथ्रेडियम से नर न्यूक्लियस ओगोनियम में मुंतकिल हो जाती है। नर और मादा न्यूक्लियाई के मिलने से ओस्पोर बन जाता है। इसके बैरूनी दीवार हमवार होती है और दो त्यों पर मुश्तमिल होती है और इसमें जर्मिनेशन होता है और कंट्रोला मेथड्स के तरीके भी यहाँ पर दिए गए और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फाइटोफ्थोरा, फाइटोफ्थोरा के अहमियत वगैरह वगैरह। फाइटोफ्थोरा जो है मुख्तलिफ किस्म के टमाटर में और आलू में बीमारी फैलाता है और इस बीमारी को हम मतलब लाइट ब्लाइट डिजीज़ यानी कि लेट ब्लाइट बीमारी, लेट ब्लाइट डिजीज़ के मतलब नाम से हम जानते हैं। और ये बीमारी जब फ्लावर पैदा होते हैं टमाटर और आलू में उस वक्त नमदार होता है, उसके मतलब निशानात जो होते वो होंगे और मुख्तलिफ किस्म के रंग मतलब वहाँ पर क्या होगा यानी कि सियाह नीलगू ब्राउन रंग के निशानात यानी कि वहाँ पर पैदा होते हैं और इन रंगों को देखकर मतलब जो सियाह रंग होगा तो मतलब सियाह रंग को देखकर हम पहचानेंगे और वहाँ पर नीलगू रंग होगा, इस नीलगू रंग को देखकर हम पहचानेंगे, या वहाँ पर ब्राउन रंग होगा, इस ब्राउन रंग को देखकर हम पहचानेंगे हाँ यहाँ पर एक डिजीज मतलब नमदार हुआ है। इस डिजीज के नाम फाइटोफ्थोरा नहीं मतलब इस जो ऑर्गेनिज्म का नाम फाइटोफ्थोरा, उस डिजीज़ का नाम ही लेट ब्लाइट डिजीज। और इस मतलब इस जो ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। सो व्हाट्स द बिग डील हियर, सो इसके फर्टिलाइजेशन किस तरह होता है, फर्टिलाइजेशन किस तरह होता है, फर्टिलाइजेशन के वक्त एंथ्रेडियम से नर न्यूक्लियस ओगोनियम मुंतकिल हो जाती है और नर यानी कि मेल और फीमेल न्यूक्लियाई के मिलने से इसमें नर और इनके फाइटोफ्थोरम में क्या होता है, नर यानी कि उसके मेल और फीमेल न्यूक्लियाई के मिलने से आपस में क्या होता है, ओस्पोर्स बन जाता है। सो इसका नस्ल बदल जाता है इस तरह। और इसके बैरूनी दीवार जो होता है यानी कि एक्सटर्नल वॉल जो है वो क्या होती है, सीमूत हो जाती है और टू तहों पर मुश्तमिल होती है और ये मतलब चाहिए फर्टिलाइजेशन इस तरह होता है। जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स यानी कि स्पोर्स की जर्मिनेशन किस तरह होता है और स्पोर्स की जर्मिनेशन ऑफ फाइटोफ्थोरा की स्पोर्स जर्मिनेशन की उसकी स्पोर्स की जर्मिनेशन के बारे में बात करेंगे। सो अगर 2% भी अगर आपकी सोच में आया तो इट इज़ गुड। 3 मिनट के वीडियोस में अगर 2 लफ्ज़ भी आप सीखें ना तो वो हाँ मतलब बहुत ज़्यादा है। 24 घंटे में आप घूमते फिरते हैं वगैरह 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 कुछ नहीं सीखते हैं, मतलब जो आप बुक देखते हैं उस वक्त थोड़ा सीखते हैं लेकिन वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर यूट्यूब में दूसरे किस्म के वे में सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ यार, ये चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, सीखिए अब कुछ। और अगर आपको कोई सवाल ही ना दो यहाँ पर पूछिए तो मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा, मैं ढूंढूंगा किसी भी तरह मैं आपका जवाब दूंगा, गूगल में जाकर सर्च करके भी मैं आपका जवाब दूंगा। सो मतलब यहाँ पर कोई मतलब वर्ड्स या और किस तरह मतलब के वीडियोस किस के बारे में, एंटीबायोटिक के बारे में या के वैक्सीनेशन के बारे में या के प्लांटों के बारे में या के एनिमल्स किस तरह के मतलब जो कोई किस तरह के वीडियोस आप चाहते हैं तो मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ा सा मतलब करके मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। सो मतलब कमेंट्स में ज़रूर बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ रहिए क्योंकि दूसरी तरह के वीडियोज़ भी आप देखेंगे। और इस तरह मतलब हर मतलब इस तरह के 4 मिनट के वीडियोज़ में अगर आप 5% भी कुछ सीखे तो आपके लिए बहुत ही वो फायदा है। सो यू सी मी नेक्स्ट टाइम इन दिस टॉपिक अबाउट वी टॉक अबाउट जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। ओके सो आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट कंट्रोला मेथड्स, आफ्टर वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फाइटोफ्थोरा।